नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रोनवाइट पर। मेष राशि 24 मार्च 2019 क्या कहते हैं सितारे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं 24 मार्च 2019 का पंचांग, फिर जानेंगे राशिफल और वह उपाय जो आपकी जिंदगी में तमाम दिक्कतों को दूर कर देगा। यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन इसे आप चंद्र राशि या लग्न राशि से देखकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सूर्योदय होगा 6:24 पर, सूर्यास्त होगा 6:30 पर, नक्षत्र होगा स्वाति 7:42 तक, फिर विशाखा, योग हर्षण वार रविवार, अभिजीत मुहूर्त 12:03 से 12:51 तक, राहुकाल 4:59 से 6:30 तक शाम के। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल की। आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव में 1:09 तक रहेंगे और फिर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में गुरु चंद्रमा एक साथ होंगे। अब जानते हैं 24 मार्च की सुबह कैसी होगी और शाम कैसी होगी। आज सुबह आपके लिए बेहतरीन है, दोपहर के बाद थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आपकी गिनती धैर्यवान लोगों में होगी, आपका नेतृत्व बढ़िया होगा, आप वही बात करेंगे जो उचित होगी जिसमें लाभ होगा। आज आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, आज आपके लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं, जीवन साथी के साथ बढ़िया वक्त बिताने का मौका भी प्राप्त होगा। सुबह के समय में आप लोग बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं, कम प्रयासों में आपको अधिक सफलता प्राप्त होगी, लेकिन दोपहर के बाद आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। सुबह जो काम जल्दी जल्दी पूरे हो रहे थे अब वह कुछ विलम्ब से होंगे, उनमें परेशानी हो सकती है, लेकिन यह परेशानी बड़ी नहीं होगी। आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है और गुस्सा नहीं होना है। आपके निर्णय सही होंगे, लेकिन निर्णय लेने में कई बार आप देरी लगा देंगे। शाम के वक्त तोल मोड़ कर बोले तो बेहतर होगा। जुए सट्टेबाजी व अधर्म वाले कामों से दूरी बनाकर रखें तो लाभ होगा। प्रेम संबंधों में बेवजह का विवाद या बहस संभव है, लेकिन बहुत जल्दी उसका समाधान भी आप स्वयं ढूंढ लेंगे। विदेश जाने के लिए आज आप प्रयास कर सकते हैं या घर पर बातचीत हो सकती है। आपकी संतान आज यात्राएं खूब करेगी। आपको मानसिक चिंता व तनाव से बचना होगा। आपकी माता जी की सेहत में गिरावट हो सकती है और सुधार भी बहुत तेजी से होगा। बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की सेहत को लेकर। शत्रु आपको तंग करेगा लेकिन हानि नहीं पहुंचा पाएगा, इससे आप थोड़े परेशान और विचलित हो सकते हैं। आपको क्रोध नहीं करना है और सेहत का पूरा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उपाय की। तो आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की उपासना करना शुभ रहेगा। हरिओम नमस्कार।